हर विभाग के पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स से हम आपको अवगत करा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, अगर आप डिफेंस या फिर सिविलियन के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, तो किस तरह आप जान सकते हैं अपनी पेंशन की सारी डिटेल, आपकी रिवाइज पेंशन, आपका एरियर और इसके अलावा बाकी जो भी जानकारी है, वो कितनी पेंशन आपको यहाँ पर मिलेगी, सारी जानकारी आज हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको pcdapension.nic.in के ऊपर विजिट करना होगा और यहाँ पर आपको जाना होगा स्विगी ऐप के अंदर। जी हाँ दोस्तों, स्विग्या के जरिए आप यहाँ पर जान सकते हैं अपने पेंशन की पूरी यहाँ पर जानकारी। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर पेंशन इंक्वायरी सिस्टम है स्विग्या, और यहाँ पर आप अपनी पेंशन की जानकारी थोड़े से यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेफ्ट मोस्ट ऑफ कॉर्नर है, उसमें आपने यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लेनी होगी, मतलब आप कौन से पद से रिटायर हुए हैं। कमीशन ऑफिसर पेंशनर है, कमीशन ऑफिसर फैमिली पेंशनर है, पीबीओआर पेंशनर है, पीबीओआर फैमिली पेंशनर है, सिविलियन या फिर डिफेंस सिविलियन पेंशनर है, या फिर सिविलियन डिफेंस सिविलियन फैमिली पेंशनर है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर चूज कर लीजिए। मान लीजिए हमने पीबीओआर पेंशनर जो कैटेगरी है उसको चूज कर लिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप प्री 2006 रिटायर हैं, मतलब 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, या फिर पोस्ट 2006 यानी 2006 के बाद रिटायर हुए हैं। जो भी आपको जो जिस भी टाइम पीरियड के दौरान आप रिटायर हुए वो सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने पोस्ट 2006 यहाँ पर चूज कर लिया। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स से कम है या फिर ज़्यादा है। तो इनमें से जो भी आपकी कंडीशन है वो चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मोर देन 15 ईयर सर्विस यहाँ पर चूज कर ली। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी सर्विस से रिटायर हुए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी। तो हमने मान लीजिए आर्मी यहाँ पर चूज कर ली, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी होगी और आपकी पेंशन की फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपने रैंक बतानी होगी कि कौन से रैंक से आप यहाँ पर रिटायर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सिपाही की रैंक मान ली। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप आप एक्स से या फिर वाई से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए हमने ग्रुप एक्स यहाँ पर मान लिया। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ सेट कर लीजिए। हमने यहाँ पर रेंडमली चूज की है, आप जो भी आपकी एग्जैक्ट डेट है वो यहाँ पर डालें। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज भी आप यहाँ पर डालें, और हमने यहाँ पर रेंडमली डेट ऑफ डिस्चार्ज भी डाल दी है। उसके बाद क्वालिफाइंग सर्विस कौन से ईयर में कितनी आपने की है, हमने 15 ईयर से ज़्यादा यहाँ पर थी तो 16 ईयर मान लीजिए। और कौन से मंथ में आपने यहाँ पर की है, किस दिन आपने यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस की है वो डाल दी। तो आप देख पाएंगे ये हमारा नीचे वाला जो कोलन है इसमें सम डिटेल आपको और देनी है। फॉर एग्जांपल पे देनी है, आपकी पे कितनी थी वो पे आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन अलाउंस अगर आपका है कोई किसी टाइप का तो वो डाल देना है, अगर नहीं है तो आपको नल मतलब जीरो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो बिल्कुल डाउन में सबमिट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो क्या जाएगी। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर सर्विस, आर्मी, रैंक, ग्रुप, जो हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाली थी पहले वो है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाली, तो यहाँ पर पेंशन ऑन रिटायरमेंट हमारी बनी 27,760 रुपये। एनहांस पेंशन अभी तक अगर चेंज हुआ तो वो यहाँ पर दिखाएगा। रिवाइज पेंशन जो है जो कि ओआरओपी के बाद है वो भी इन्होंने यहाँ पर दिखाई है। फैमिली पेंशन की डिटेल भी यहाँ पर दी है। एनहांस रेट अगर एप्लीकेबल है अप टू 23 सितंबर 2012 वो भी यहाँ पर दिखाया है। और उसके बाद 24 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2018 तक का इन्हांस रेट, मतलब मैक्सिमम 7 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ फैमिली पेंशन जो भी अर्लियर है वो भी यहाँ पर इन्होंने शो किया है। नॉर्मल रेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इन्हांस रेट भी यहाँ पर दिखा है। अगर आप यहाँ पर डिसेबिलिटी एलिमेंट से मतलब अगर आप डिसेबल हैं तो आपको कोई डिसेबिलिटी एलिमेंट एडमिसिबल है तो वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसका प्रिंटआउट भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, और अगर इस रिजल्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो नीचे इन्होंने यहाँ पर क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिया है वहाँ पर आप इस
को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करें। तो देखें आप सबने, तो इस तरह आप यहाँ पर अपने डिटेल डालकर अपनी पेंशन, अपने फैमिली पेंशन, ORP, जितने भी डिटेल है सभी डिटेल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।